तो चलिए खबरों की बात करते हैं। दिल्ली नहीं, हिमाचल नहीं और यहाँ तक कि पूरे भारत देश में इस समय बारिश का कहर है और बारिश का कहर इस प्रकार से मचा हुआ है कि पूरे दिल्ली से लेकर हिमाचल प्रदेश तक चारों तरफ खलबली मची हुई है। पानी का सितम कहें या पानी का कहर कहें, इन वीडियो में दिखाते हैं कि किस प्रकार से पानी का कहर लगातार राजस्थान के साथ में हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में लगातार बहता हुआ आ रहा है। सैलाब का एक ऐसा सितम जिससे पूरा सिस्टम फेल नजर आ रहा है और पूरे सिस्टम जो फेल नजर आ रहा है उसकी पूरी तस्वीरें आज हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर की ओर रुख करते हैं। मैं आपको पहली तस्वीर दिखाता हूं, मनाली की तस्वीर, जहां पे आप देख रहे हैं कि मनाली की वह तस्वीर जिसपे एक होटल में पानी गिरने के बाद में पूरी तरह से वह होटल सात तरह से पानी के अंदर दहती हुई नजर आ रही है। मनाली की एक तस्वीर। आगे की और तस्वीरों की ओर रुख करते हैं, जो आपको ले चलते हैं शिमला की तरफ। शिमला की तस्वीर जहां पानी का कहर इस प्रकार से है कि चारों तरफ लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं और बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र हैं वो भी बाढ़ के अंदर डूबते हुए नजर आए। इसी के साथ में आगे की ओर रुख करते हैं सोलन में। आप देख रहे हैं सोलन के अंदर कारें इस प्रकार से पानी में डूबती हुई नजर आ रही है, जिस प्रकार से बचपन में जब नाव चलती थी पानी के अंदर वही नावों की तरह ये कारें भी सोलन के पानी के अंदर डूबती हुई नजर आ रही है। छोटे छोटे खिलौने के रूप में ये कारें आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है। अगली तस्वीर रुक करते हैं किन्नौर की, जहां किन्नौर में पूरे के पूरे पहाड़ बहते हुए आपको नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पानी का कहर, पानी का एक ऐसा कहर जो लगातार आम जन जीवन को और आम जनजीवन को प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। अगली तस्वीर की ओर रुक करते हैं सवाई माधोपुर में, जहां आप दिखाते हैं कि एक ऐसा हॉस्पिटल जहां पे पानी इस प्रकार से वार्ड के अंदर पहुंच गया कि वार्ड बॉय भी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि स्ट्रेचर पर मरीजों को सुलाया जा रहा है, उस वार्ड में लगातार पानी है, पानी का आम जीवन जनजीवन तो परेशान है ही, लेकिन साथ में मरीज भी परेशान होते हुए बेहाल होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अब हम रुक करते हैं राजस्थान के अजमेर की ओर, जहां मरीज लेटे हुए नजर आ रहे हैं, स्ट्रेचर पे नीचे लगातार पानी का एक कहर लगातार नजर आ रहा है। और अगली खबर की ओर रुक करते हैं, जहां खबर दिखाते हैं आपको अगली तस्वीर दिल्ली की ओर। दिल्ली के अंदर आपको बता दें कि बाढ़ का एक कहर सामने आ रहा है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार उपराज्यपाल के साथ में NDRF की टीमों के साथ में बैठक कर रहे हैं, पूरा जायजा ले रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि किस प्रकार से बाढ़ के अंदर इस दिल्ली को रोका जाए, क्योंकि दिल्ली की अगर हालत दिखाई जाए तो मैं आपको बताऊं कि इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि लगातार दिल्ली के अंदर पानी का कहर, बाढ़ का कहर लगातार सामने आ रहा है। लगातार खड्डे नजर आ रहे हैं और यहाँ तक कि इन खड्डों में लोगों के अंदर एक माहौल बन चुका है फोटो खींचने का, सेल्फी लेने का। और उसी के साथ में बाढ़ दिल्ली के इन एरियों के अंदर आप देख रहे हैं कि यमुना नदी का जो जलस्तर था वह जलस्तर 205.33 है और अनुमान लगाया जा रहा है कि अब जो है आने वाले समय के अंदर दिल्ली का यमुना का जो जलस्तर है वह 206 होने वाला है, क्योंकि लगातार बाढ़ का कहर लगातार जारी है। लेकिन सबसे बड़ी रोचक तस्वीरों में हम आपको ये भी दिखाने जा रहे हैं कि जो मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, इन तस्वीरों में देखिए एक तरफ दिल्ली के PWD मंत्री का मकान दिखाई दे रहा है, इस PWD मंत्री के मकान के बाहर भी लगातार पानी का कहर है। अब दिल्ली के अंदर सरकार है, दिल्ली में मंत्री भी बैठे हैं, PWD मंत्री जिनका पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का काम होता है, सार्वजनिक निर्माण का काम होता है, लेकिन उनके घर में भी पानी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब इसी पानी के कहर की तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई है, दिल्ली से हिमाचल का हमने आपको पूरा टूर किया है, हमने आपको दिखाया कि सिस्टम किस प्रकार से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब राजस्थान की राजधानी जयपुर की ओर रुख करते हैं। आने वाले कुछ समय के बाद में जयपुर की उन सड़कों को हम आपको बताएंगे कि जो सड़कें दरिया बन चुकी है और इन दरियाओं के अंदर रात को पुलिस कर्मी भी परेशान है, आम जनता भी परेशान है और पानी का कहर इस प्रकार से है कि सिस्टम की लाचारी पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। सवाल ये खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं ड्रेनेज सिस्टम को लेकर सरकार जो बातें करती थी कि हर सड़कों पे ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा, पानी की निकासी के लिए कोई ना कोई एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि जब भी बाढ़ के अनुमान हो या पानी का कहर बहुत ज़्यादा हो तो उस कहर के अंदर किस प्रकार से निकासी की व्यवस्था हो। उन निकासी की व्यवस्था न होने से आम जनजीवन प्रभावित भी होता है, साथ में लोग बेहाल भी होते हैं। तो वो तस्वीरें भी
कुछ समय बाद में आवाज न्यूज के माध्यम से आप सभी लोगों को दिखाई जाएगी। राजधानी जयपुर की बड़ी खबरों के साथ में आप जुड़े रहिए आवाज न्यूज के साथ।